आज दिग्गजों के नामांकन का दिन है। ओडिशा के संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नामांकन करने वाले हैं, तो बिहार के हाजीपुर से चिराग पासवान भी पर्चा भरने वाले हैं आज। वही पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी सारण से नामांकन करने वाले हैं और तीनों ने नामांकन से पहले पूजा अर्चना की है। तीन तस्वीरें तीनों अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टेट से देखे। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से, संबलपुर से चिराग पासवान हाजीपुर बिहार से, राजीव प्रताप रूड़ी बिहार सारण से। माँ समलेश्वरी का आशीर्वाद लेके आज हम नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, नामांकन कर भरेंगे। माँ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, यही माँ की इच्छा है, यही महाप्रभु जगन्नाथ की इच्छा है। उड़ीसा इस बार नरेंद्र मोदी जी के साथ 21 के 21 की लोकसभा में आशीर्वाद करेगा। हमने आशीर्वाद भी मांगा है उड़ीसा में सत्ता परिवर्तन हो, उड़ीसा में मोदी जी की अनुजाइयों का, मोदी जी की विजन की सरकार उड़ीसा में भी बने, विकसित भारत में उड़ीसा एक नंबर राज्य हो, यही मां की पास हमने आशीर्वाद मांगा। यहाँ की गरीब दुखी दलित आदिवासी वंचित वर्ग सब मोदी जी के साथ है, सब बीजेपी को जिताएंगे। आज सबसे ज्यादा उनकी कमी महसूस हो रही है। हर बार वो हाथ पकड़कर मुझे नामांकन के लिए लेकर जाते थे। 2019 की भी तस्वीरें देखेंगे, उन्होंने कस के मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। वो हमेशा मुझे अपने साथ वो लेकर जाते थे और ऐसे में आज जब वो नहीं है, सबसे ज्यादा उनकी कमी महसूस हो रही है। पर हाँ, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, उनकी कर्म भूमि हाजीपुर, जिसको उन्होंने अपनी माँ माना, आज उसी उनकी कर्म भूमि से नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि हाजीपुर की जनता ने जो प्यार पापा को दिया, वही प्यार मुझे भी मिलेगा। चलिए पटना का रुख करते हैं। आदित्य वैभव हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आदित्य, आज राजीव प्रताप रूड़ी सारण से पर्चा दाखिल करने वाले हैं और हाजीपुर से हम देख पा रहे हैं चिराग पासवान और उनका जो समर्थन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अभी क्या तस्वीर है, किस तरह से जनता इसको देख रही है, ये पूरी खबर आप बताइए। जी बिल्कुल, जहां तक बात की जाए आज नामांकन की, तो आज काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल नामांकनों का दिन है। आज जहां एक तरफ चिराग पासवान अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी और राधा मोहन सिंह को भी आज ही अपना पर्चा दाखिल करना है। आपको बताएं आशुतोष कि आज सुबह पूरे तैयारी के साथ निकले यहाँ से चिराग पासवान पटना से वैशाली जिले के लिए, जहाँ हाजीपुर के रिटर्निंग ऑफिसर से उनकी मुलाकात होनी है और जहाँ उन्हें अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करना है। सबसे बड़ी बात ये कि जब यहाँ से निकल रहे थे चिराग, तो उन्होंने बातचीत के क्रम में मीडिया को आज तक को ये बताया साफ तौर पर कि आज वो अपने पिता को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी दावा किया कि जिस तरह से हाजीपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया है अब तक उनके परिवार को, उनके पिता को, उस तरह से ही शायद वही आशीर्वाद खोजने चिराग भी जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज जहां एक तरफ हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में जुबानी बिल्कुल नजर बनाकर रखिएगा। आदित्य, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।